शेख सादिक की पुस्तक गुलिस्तां के पहले अध्याय की तीसरी कहानी ता मर्दे सुखन न गुप्ता बाशद एबो हुनरश न हुप्ता बाशद। अर्थात किसी आदमी की बुराई भलाई उस समय तक मालूम नहीं होती जब तक कि वो बातचीत न करे। एक बादशाह के कई बेटे थे, उनमें से सब तो लंबे कद के और खूबसूरत थे, सिर्फ एक बदसूरत और छोटे कद का था। एक समय बादशाह ने अपने बदसूरत लड़के की ओर बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा। लड़का बड़ा अक्लमंद था, वह अपने बाप के मन की बात ताड़ गया और बोला, पिताजी छोटे कद का अक्लमंद मनुष्य लंबे कद के बेवकूफ से अच्छा होता है। हर एक चीज की कदर उसकी ऊंचाई के अनुसार नहीं की जाती। भेड़ पवित्र और हाथी अपवित्र जानवर समझा जाता है। सिनाई पर्वत पृथ्वी के और सब पहाड़ों से बहुत छोटा है, पर ईश्वर के यहाँ उसकी पदवी और उसका मान सबसे बढ़कर है। एक दिन एक दुबले पतले अक्लमंद आदमी ने किसी मोटे ताजे बेवकूफ से जो कहा था, क्या आपने उसे सुना है? एक अरबी घोड़ा चाहे वो कितना ही दुबला हो, अस्तबल के सारे गधों से अच्छा होता है। इन बातों को सुनकर बादशाह हंसा और दरबारी लोग लड़के की तारीफ करने लग गए एवं उसके भाइयों ने दिल में रंज किया। जब तक आदमी नहीं बोलता तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। हर एक जंगल को वीरान न समझना चाहिए, मुमकिन है कि उसमें कोई सिंह सो रहा हो। हमने सुना है कि जब एक जोरावर गनीम ने बादशाह पर चढ़ाई की और दोनों तरफ की सेनाओं का मुकाबला हुआ, उस वक्त सबसे पहले इसी नौजवान शाहजादे ने शत्रु सेना के भीतर अपना घोड़ा बढ़ाकर शत्रु को ललकारा और कहा, मैं लड़ाई में पीठ दिखाकर भागने वाला नहीं हूँ, बल्कि खून से नहाकर अपना सिर देने वाला हूँ। क्योंकि जो आदमी लड़ता है वह अपने जान की बाजी लगाता है और जो भाग निकलता है वह अपने सेना का खून कराकर तमाशा देखता है। यह कहकर उसने दुश्मन पर हमला किया और बड़े बड़े नामी सिपाहियों को मार कर गिरा दिया। इसके बाद वह अपने बाप के पास आया और जमीन चूम कर बोला, आप मुझे बदसूरत देखकर मुझसे नफरत करते थे, परंतु लड़ाई के मौके पर मैं कैसी बहादुरी और कैसी शक्ति से यह करता हूँ इसका आपने बिल्कुल विचार नहीं किया था। एक पतली टांगों वाली घोड़ी जितना काम करती है उतना काम एक मोटे ताजे बैल से कभी नहीं हो सकता। कहते हैं कि दुश्मन की सेना असंख्य थी और शाहजादे की तरफ बिल्कुल थोड़ी सी फौज थी। उसमें से भी जब कुछ लोग भागने लगे तब शाहजादे ने ललकार कर कहा, यारो मर्दों की तरह युद्ध करो कि जिससे औरतों की पोशाकें न बननी पड़े। इस वचन से सिपाहियों की हिम्मत बढ़ी और उन लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों पर आक्रमण करके उसी दिन उन्हें जीत लिया। बादशाह ने शाहजादे का सिर और उसकी आंखें चूमकर उसे छाती से लगाया और दिन दिन उसका प्रेम उसकी ओर बढ़ने लगा। अंत में बादशाह ने उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। यह देखकर उसके भाई उससे जलने लगे और एक दिन उन्होंने उसके भोजन में जहर मिल। उसकी बहन खिड़की की राह से यह सब कार्यवाही देख रही थी। जैसे ही शाहजादे ने खाने के लिए ग्रास उठाया उसकी बहन ने खिड़की का किवाड़ खटखटाया। उसने इस इशारे को समझकर थाली से अपना हाथ झट खींच लिया और कहा, अगर अक्लमंद लोग इस तरह मार डाले जाएंगे तो बेवकूफों से उनकी कमी पूरी न हो सकेगी। यदि पृथ्वी से हुमा निर्मूल कर दिया जाता है तो भी कोई उल्लू के साय में न जाता। इस घटना की खबर बादशाह तक पहुंची। उसने शाहजादे के सब भाइयों को बुलवाया और उन लोगों को बुरा भला कहा, पीछे अपने बादशाहत के मुनासिब हिस्से करके सबको बांट दिए कि जिसमें भविष्य में किसी तरह का झगड़ा तकरार न हो सके। देखा गया है कि एक कम्बल पर 10 फकीर सो सकते हैं, पर एक बादशाहत में 2 बादशाह नहीं रह सकते। यदि किसी फकीर के पास एक रोटी होती है तो वो उसमें से आधी आप खाता है और आधी गरीब को दे देता है, पर यदि किसी बादशाह के हाथ में एक देश भर की बादशाहत होती है तो भी वो एक और देश की बादशाहत लेने की इच्छा रखता है। शिक्षा। इस किस्से में यह दिखाया गया है कि सुंदरता और बड़े दिल डोल से किसी का काम नहीं हो सकता, मान गुणों से होता है। बुद्धिमानी एवं शूरवीरता का खूब सूरती और बदसूरती में कुछ संबंध नहीं है,
पुरुष में गुणों की जितनी जरूरत है उतनी सुंदरता और डिलडोल की आवश्यकता नहीं है। दूसरे यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि एक राज्य में दो राज्य नहीं रह सकते, अगर रहेंगे तो बखेड़ा जरूर होगा। कहानी समाप्त।